एक एक करके कांग्रेस पर आज सियासी मिसाइल दागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कुल मिलाकर ये कहिए कि सदन से कांग्रेस को 70 साल का प्रधानमंत्री ने आईना दिखा दिया। एब्सोल्युटली ये भी कह सकते हैं कि 2019 के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से शंखनाद कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। कहने को तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का भाषण था, लेकिन सही माने में संसद में ये कांग्रेस को धोने वाला भाषण। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा, पीएम मोदी ने विपक्ष के हर वार पर शब्दों की मिसाइल से पलटवार किया। फिर चाहे परिवारवाद हो या फिर कश्मीर। कश्मीर समस्या किसकी देन? आए दिन सरहद पर शहीद होते जवान, कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले और मुठभेड़, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार या 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद बनी आजाद भारत की नेहरू सरकार? लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समस्या की सबसे बड़ी वजह क्या बताई, सुनिए। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान।